जय हिंद दोस्तों, ये खोखर डेयरी है, गांव नली खुर्द, कुंजपुरा करनाल। राकेश जी हैं जो इसका संचालन करते हैं, साहीवाल का काम करते हैं। और हम भी सलाह देते हैं कि जब भी आप खरीदो तो खुद आकर के लेके जाओ। ये बहुत सेंसिटिव होती हैं गाय, और बाद में शिकायत की गुंजाइश कम रहती है अगर आपको परख है तब। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहोगे इसको, प्योर कहोगे? बिल्कुल जी, प्योर कहेंगे। हैं? बिल्कुल प्योर कहेंगे जी। कितनी उम्र की है? उम्र दूसरी बार भी आएगी जी, लगभग होगी 4 साल की। HF में बीमारी की शिकायत रहती है? हाँ जी। लेकिन इसमें दूध ना देने की शिकायत रहती है? ऐसा कुछ नहीं है जी। दूध ना देने की जी, देखो ऐसा है, ये दूध देती हैं 10-12 लीटर, 15 लीटर। कोई गायें ज़्यादा अच्छी हो 20 लीटर भी दे देती है, 22 भी दे देती है। कोई गायें, बहुत रेयर चांस है इतने दूध वाली गायें मिलने के लिए। जिस अब HF के मुकाबले तो ये दूध बहुत कम देती हैं। और रही दूध की, दूध देने के चांस तब कम होते हैं अगर इसका बच्चा मर जाए, तो ज़्यादातर ये चांस होते हैं, या क्रॉस ब्रीड हो। अच्छा, क्रॉस ब्रीड भी कम हो जाती है? कर देती है जी गड़बड़ कई बार। ज़्यादा देती है वैसे? देती तो ज़्यादा है जी, लेकिन लंबे टाइम तक दूध नहीं देती। नहीं देती? हाँ, यही क्रॉस में वो है। बिल्कुल जी। अच्छा, ब्रीड वाली तभी फिर, नहीं तो फिर ब्रीड वाली कोई क्यों लेगा? देखो जी, अब इतने कंपटीशन होते हैं, फेयर लगते हैं, जो भी है ये ब्रीड के ऊपर ही चलते हैं जी। क्रॉस ब्रीड इनके अंदर एंट्री नहीं है, ब्रीड तो ब्रीड ही है। तो ये कितना दूध देने वाली है? दूध देने वाली है जी 12 लीटर। 12 लीटर? हाँ जी। कितनी उम्र बताई थी ये? 4 साल। 4 साल? हाँ जी। ब्यात? ब्यात जी इसका दूसरा। दूसरा? हाँ जी। मतलब तोड़ा नहीं इसने? 3 साल में जाके ब्याती है सुने? ऐसा देखो जी, अगर कोई अच्छी सेवा करने वाला हो तो 2 साल में सीमन ले लेती है। अच्छा। हाँ, तो 2 साल बाद सीमन ले लेती है? हाँ, 20 महीने में, 2 साल में। तो 1 साल बाद ही ले लेती है? बस वो HF अलग है जी, ये अलग है। तो इसका कितना दाम होगा? इसका दाम है जी 40,000 रुपये। 40,000? हाँ जी। कम कर दो? कम कर लेंगे जी, जो भी होगा, जायज मान सम्मान जो होगा। नहीं, 35 तो नहीं, कर लेंगे फिर भी। कितना दूध? पक्का 10 लीटर दे देगी? ज़्यादा देगी जी, 12 लीटर दूध देगी। कब, कितना है प्रेग्नेंट? ये अभी इसका 1.5 महीना बाकी है जी। 1.5 महीना? हाँ। अगर ब्याने के बाद बेचोगे तो कितने बेचोगे? ब्याने के बाद बिक जाएगी जी, उम्मीद है 55 की, 50 की, 55 की, 60 की, टाइम की बात है जी। देखो अपना कोई ये कोई वो मैटर नहीं है कि इतने की बिकेगी इतनी, अपनी खरीद जो है अगर कम है उस हिसाब से अपना मार्जिन लेके 2-4 हज़ार रुपये दे देते हैं। अगर ज़्यादा ऊँची खरीदी हुई है फिर भी, फिर ऊंचे रेट में अपना 2-4 हज़ार रुपये मार्जिन लेके दे देते हैं जी। जी हरियाणवी? हाँ जी, हरियाणा नस्ल पूरी हम्प। हाँ जी। और प्योर असली है? बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल, कोई वो नहीं है? नहीं। रस्से बड़े कस रखे हैं तुमने इसमें? रस्से तो जी ये घुंघरू बांध रखे हैं जी, गंगरोल। अच्छा। हाँ जी। तो कितना दूध देने वाली है? दूध अभी इसके, ये ब्याई होगी जी 5-6 दिन की। अभी इसके नीचे 16 लीटर, 15 और 16 लीटर तैयार है। इतना? हाँ जी। ये इसके तो जो है दोहन बड़ा मुश्किल होता है, थान हाथ में नहीं आता। नहीं जी नहीं, बहुत बड़ा मजा आता है ये दूध निकालने में। बड़ी नरम दार है, मोटी मोटी दारें हैं जी। अच्छा। और कोई मतलब ही नहीं, बिल्कुल शांत स्वभाव की है। अभी दिखाते हैं आपको हाथ फिरा के सारी गायें पे। अच्छा। हाँ, तो कौन सी ब्यात की है ये? दूसरे ब्यात की है जी। ये तो बुढ़ी लग रही है। नहीं जी, कहाँ से? है? कहाँ से? इसके पैर देखो। ना जी ना, पैर तो जी ये मैट का फर्क होता है, मैट पे रखते हैं तो पैर बढ़ जाते हैं। अब इसके नाखून काटने वाले हैं खुर? ठीक है जी, कोई ज्यादा वो नहीं है, थोड़ा पक्के पे चलेगी, थोड़ा बहुत हो जाएगा। हाँ, थोड़े से तो बंद रहना। कितने दूध पे जाएगी? दूध पे जी इससे उम्मीद कर रहे हैं जी 21-22 लीटर पे। पहले में कितना दिया? पहले में 19 लीटर 600 ग्राम दूध दिया। कैसे कहते हैं? देखो जी, जहाँ से खरीद के लाए हैं, ठीक है जी, इतनी जितने पैसे दे के आए हैं तो कुछ ना कुछ सोच के उसकी शान ने पैसे मांगे होंगे, कुछ ना कुछ सोच के हमने लगाए होंगे। कितने लाए? पता नहीं जी। अच्छा। हाँ जी, लोग मजाक करेंगे जी मेरा भी। हाँ। और खरीदने वाले का भी। तो फिर ये बिकेगी कैसे? अब बिकेगी, बिक जाएगी जी, नहीं बिकेगी कर लेंगे। बिल्कुल, वो तो बात है ही है जी परख वाली। हम जब पशु खरीदते हैं जी तो ये सोच के नहीं खरीदते कि ये जाते ही सेल हो जाएगा या बेचना जरूरी है। ये पशु अच्छा पशु खरीदते हैं, अगर नहीं भी सेल होगा, घर पे भी रह जाता है तो कम से कम दूध अच्छा दे, खड़ा हुआ सुंदर लगे, ये सोच के पशु खरीदते। अभी HF तो है नहीं, जैसे अगर ज़्यादा देर तक तो रुक गई तो कोई खतरा है, बीमार हो जाती है, उसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, इसका तो इतना ये होता नहीं। गायें तो जी देखो, सबकी अपनी सोच होती है, सबकी अपनी परख होती है, ठीक है जी। लेकिन जो मेरा नज़रिया कहता है कि कंपटीशन लेवल की गायें, कंपटीशन लेवल मेरा जो नज़रिया कहता है। अच्छा। देखो और लोग क्या सोचते हैं,
अच्छी है नहीं है वो लोग जानते हैं। ये तो रखे, ये ज़्यादा उम्र की क्यों लग रही है? नहीं, कहाँ से लग रही है जी उम्र की? हमको कम मालूम ना, वो थोड़ा सा पता क्या है जी, एक वैसे आपको लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, इनका बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा होता है। ऐसे ही होता है। देख, हाथ फिरा के दिखाते हैं, देखो कितने शान से लगाओ, थनों पे लगाओ। अब इसके बारे में क्या कहोगे, प्योर है? बिल्कुल जी, हम कम है, कम नहीं है जी। वो पहले बड़ी हम वाली दिखा दी ना, पता क्या बात है जी, अब उसके मुकाबले छोटी आ अब वही बात है जी, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मोटा कोई पतला। ये कितना दूध देने वाली है? ये दूध इससे उम्मीद कर रहे हैं जी 15-16 लीटर की। ब्याई हुई? नहीं। कितना समय लेगी जी? 10-12 दिन। 10-12? हाँ जी, 10-12 दिन। हाँ जी, तो 15-16 लीटर देगी। बिल्कुल। ब्याज कौन सी? दूसरा। दूसरा? अब ये जवान लग रही है। बस अलग अलग फर्क है जी सबका। तो क्या दाम में दोगे इसको? इसको देंगे जी 65,000 की। 65,000? हाँ जी। तो वो 35 वाली इसमें क्या फर्क है? 40 वाली में ना, जो पहले तुमने बताया। हाँ, उसका एक तो जी डेढ़ महीना बाकी है बच्चा देने में। अच्छा, ठीक है जी। दूसरी बात, वो खरीदी हुई हमारी कम रेट की है। अच्छा। हाइट में इससे थोड़ी छोटी है, सुंदरता में इससे कुछ कम है, ठीक है जी। और वो दूध 12 लीटर देगी, ये 16 लीटर देगी। वो हो सकता है 10 भी दे, वो कोई पक्का पता नहीं। बस देखो जी, थोड़ा बहुत तो ये होता है, अंदाजा ही होता है। अच्छा। हाँ, तो ये 65 से कम नहीं दूंगा? कर लेंगे जी, जो भी मान सम्मान होगा कर लेंगे। ये उससे भी जवान लग रही है? बिल्कुल जी। प्योर में? हाँ जी। क्रॉस तो नहीं? नहीं, क्रॉस नहीं। अच्छा, कान भी लंबे हैं? हाँ जी। सिंगों की रिवाइंडिंग की सही नहीं हुई है? बस थोड़ी सी हो गया जी गड़बड़, एक हो गया एक रहे। हाँ। तो कंबल भी बहुत बढ़िया? बिल्कुल जी, हम भी अच्छा है। प्योर में कही जाएगी? बिल्कुल प्योर। ये साहिवाल का ये कलर भी होता है? साहिवाल, ये तो थोड़ी ब्लैकनेस आ जाती है मौसम के हिसाब से। अच्छा, ये कद इतना ही रहेगा? कद इतना ही रहेगा। कई इस छोटे कद की होती है, कई ऊंची हो जाती है? देखो जी, वो छोटा बड़ा ये तो चलता है। अच्छा। हाँ, तो ये कितना दूध देने? इसके नीचे अभी 14-15 लीटर दूध तैयार है जी। ये बछिया है जी? बछिया दी? हाँ जी। तो जो ले जाएगा और किस्मत वाला? बिल्कुल जी, बछिया भी बहुत अच्छी दी। कितना दूध निकाल रही है? अब निकाल दिया जी, 14-15 लीटर दूध है अभी। हाँ जी। तो क्या दाम की होगी इसके? दाम है जी 50,000 रुपये। ब्याज कौन सी है? दूसरा। दूसरा? हाँ जी। गाय जो ये दिखा रहे हो जी, तो अब उन सबसे हट करके है? हाँ जी। तो ये साहिवाल में आएगी? साहिवाल में आएगी। क्रॉस में? थोड़ा राठी। राठी में चले? हाँ। तो वैसे गल कम्बल वैसे ही है? सब कुछ बढ़िया है जी, गल कम्बल, हम्प, नीचे नाभी। हाँ, वो चीचड़ भी लगे हुए हैं? नहीं, चीचड़ नहीं है जी। हाँ, है कोई एक दवाई लगा? क्या लगाओगे? दवाई लगाएंगे जी। तो अगर ये प्रेग्नेंट है? नहीं, बच्चा दिया होगा। क्या दिया इसने? बछड़ा। इसने बछड़ा दिया? तो ये कितना दूध देगी? 10 लीटर दूध है। 10 लीटर? ये कितने बेचोगे? इसको दे देंगे जी 45,000। और भी कम कर दोगे? कर लेंगे जी। हैं? कर लेंगे। इस साल कितनी गाय बेचे? लगभग मेरे ख्याल 700-800 गाय तो बेच दी होंगी। 700-800 गाय? सबसे ज्यादा तुम ही बेचते हो? नहीं जी, बहुत है लोग हैं बेचने वाले, एक से एक पड़े हैं जी। हाँ। हम तो चलो टाइम पास कर रहे हैं। नहीं, और हम तो जाते हैं ना, मैं मालूम है जी, और पर रहता खाका सब। इसके तो खुर बहुत बेढबे बड़े हुए हैं। थोड़ा सा एक खुर बड़ा हुआ जी। तो काटेंगे दोनों बड़े हैं? कर देंगे जी। तो है? अच्छा, आएगा? कितने पैसे लेगा? वो लेगा जी 300 रुपये एक गाय के। हाँ, एक गाय के। ये कौन सी ब्यांत की है? दूसरे ब्यांत की है जी। दूसरे की? हाँ जी। अब इसको भी सुंदर क्यों ना कहें? अच्छा, एक बात है, जो इसको पालेगा, हाँ, जिस घर में जाएगी, हाँ जी, अगर कोई अपने घर के लिए ले गया, हाँ जी, तो कुछ तो बेचने ले जाएंगे, कुछ घर पे पालें, तो उस घर में सुख शांति तो रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। देखो जी, सारे काम ना सोच के ऊपर भी होते हैं। अब मैं 24 घंटे सोचता तो हूँ गलत, तो फिर गलत ही होगा जी। कितना दूध देने वाली है? इसने जो पीछे से इसका रिकॉर्ड मिला है जी, ये कहीं से फार्म से लिए गए और इसने 15-16 लीटर दूध दिया हुआ है। अच्छा। ये कल ही आई है मेरे पास, इस करके थोड़ा सा चंचलपन दिखा रही है, वैसे बिल्कुल शांत है। कितना समय मांग रही है? ये दिन अभी 15-20 दिन ले जाएगी जी। कान इसके से पीपल के पत्ते होते हैं? इनकी जो इसकी शेप होती है ना जी। हाँ। इसकी साहिवाल की। हाँ। जैसे आम के पत्ते हो गए। हाँ, हाँ। इसकी शेप में इसके कान होते हैं वैसे ही। हाँ। तो क्या दाम की होगी? दाम जी इसके 65,000 रुपये। 65,000? हाँ। हाथ फिर आगे दिखाते हैं, इसके ऊपर बिल्कुल शांत। हाथ फिर भाई इसके ऊपर, इधर शांत है? बिल्कुल शांत है। तो ये रुकती तो है नहीं? ये थोड़ा फार्म से आई है जी, खुली घूमती हुई। इसको धर्मेंद्र को तो घसीटे घूम रही है? बस थोड़ा खुली घूमती हुई गाय जी, मुरी कल डाल दिया इसको। अच्छा अच्छा, अच्छा मतलब अगर खुली छोड़ रखी उसने? हाँ, खुली छोड़ रखी। तो यहाँ भी लोग खुली छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। नहीं, वो देखो जी, राजस्थान में तो खुली घूमती हैं, चुग के आती हैं, बस रहने दे, खुली घूमती हैं, चुग के आती हैं। अच्छा, तो ये चुगने वाली गाय नहीं है, वो खुली जो छोड़ते हैं फार्म में, खुली छोड़ देते हैं ताकि। नहीं, जब ये दूध देगी तो टिक जाएगी? बिल्कुल जी,
क्यों नहीं टिकेगी? फिर फायदा क्या है जी इसका? जी साहब नहीं कि ये तो गोबर लगवाते नहीं बिल्कुल भी, ये कैसे लगा है? ये थोड़ा ज़्यादा पशु है जी और उस तरफ थोड़ा काम चल रहा है जी, वो खुरली वगैरह तैयार कर रहे हैं दोबारा से, तो थोड़ा भीड़ में बंदी हुई है इस करके गंदी होगी थोड़ी। गलकम्बल पूरा? हाँ जी। तो कौन सी ब्यांत में? दूसरे ब्यांत में। और इसका अब इसका कान दिखाई दे रहा है बिल्कुल सही, जैसे तुम बोलते हो कि आम के पत्ते की तरह, बिल्कुल जी बिल्कुल, सारे गुण हैं इसमें। आम के पत्ते की तरह होता है जी, सांचा काला होता है, जो नाभि होती है 4 से 6 उंगल की इसकी नाभि होती है, इससे ज्यादा लंबी आ गई, यू शेप में आ गई तो राठी, राठी में चली। हाँ जी, गलकम्बल अच्छा होता है, माथा उभरा हुआ होता है, बहुत पहचान है जी। हम तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी। तो ये कौन सी ब्यांत की है? ये दूसरे ब्यांत की है जी। दूसरे? हाँ जी। तो इसका क्या दाम होगा? इसका दाम है जी 55,000 रुपये। दूध? दूध जी इसका अभी इस टाइम 12 लीटर तैयार है। क्या दिया इसने? इसने बछड़ी दे रखी है जी। बछड़ी? हाँ जी। तो फिर तो इसमें दुबाला होगा बिल्कुल जी। क्यों? अब तो बछड़ी का मूल्य ज्यादा है, एक गाय और बन जाएगी। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। और इतना ही दूध देगी वो भी? हाँ बिल्कुल देगी जी। अच्छा इसके लिए चारा बताओगे क्या क्या देना होगा? चारा देखो जी, हम लोग जो खिलाते हैं अपना भूसा तुड़ी होगी यानी, और ये हरा चारा कुछ भी हो गया, मक्की होगी, ज्वार हो गया, बरसीम होगी, कुछ भी हो गया जी, हम लोग ये देते हैं। उसके बाद बिनोला खल चोकर, अच्छा जी खंडा हो गया, और गेहूं का दलिया भी दे देते हैं, ये चीज़ें हम लोग देते हैं जी। बाकी खाने में ये मूंगफली का, जैसे मूंगफली का भूस हो गया जी, मूंग का भूस हो गया, तुड़ी होगी, ये सारी सोयाबीन की होगी जी। मतलब इससे दूध कम नहीं होगा? नहीं जी नहीं, क्यों कम होगा? ये अगर इतनी खुराक देंगे? बिल्कुल जी, ये गाय तो प्यार की भूखी है जी। अच्छा कितना चाहिए इसको खुराक रोजाना? इसको देख, ये अपने हिसाब से जितना इसको खाना है ना उतना खा के बाकी ये छोड़ देगी, ज्यादा मुंह नहीं मार। ये एचएफ की तरह नहीं है कि लगी रही पीछे से निकाल दिया फिर लगी रही, ना ऐसा कुछ नहीं है। ये प्योर है? नहीं ना, क्रॉस है जी। क्रॉस में? हाँ जी। जिससे? जर्सी? जर्सी से क्रॉस है जी। 12 लीटर दूध है, नीचे बछड़ा है। पहली बार? हाँ जी। पहली ब्यांत की? पहले ब्यांत। दाम क्या है? 35,000 रुपये। 35,000? हाँ जी। कम भी कर दोगे? कर देंगे जी। 31 में भी कर दोगे? 31 नहीं 32 की कर देंगे। कर देंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है, 30, 31, 32 में कुछ नहीं, क्या फर्क है। जब यहाँ हम आते हैं तो खुश होते हैं इसलिए जी कि एक तो यहाँ किसी तरह की स्मेल नहीं आती जी, समझ गए जी, और दूसरी बात है कि तुम देसी गऊ का काम करते हो जी, चाहे भाव कम हो चाहे ज़्यादा हो, लेकिन काम तो बांटते तो अमृत हो। बिल्कुल जी, बस अब आप सब लोगों की कृपा है जी, इसलिए हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद जी, धन्यवाद।